मैं जब शहडोल में आया हूं तो राजा शंकर शाह और उनके सुपुत्र जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया उनको भी मैं याद करता हूं। और जब मैं इस धरती पर आया हूं तो रानी दुर्गावती का बलिदान, रानी दुर्गावती का की कर्मस्थली, उसको भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की इस धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ है। एक दिवसीय शहडोल दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विशाल आम सभा को संबोधित कर कमल खिलाइए, देश के विकास में योगदान दीजिए की बात कही। लोकसभा चुनाव के सियासी रण में अब भाजपा के स्टार प्रचारकों की शहडोल में एंट्री हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय शहडोल दौरे पर पहुंचे। शहडोल संसदीय क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के समर्थन में शहडोल के हृदय स्थल न्योगाधी चौक में विशाल आम सभा को संबोधित कर शहडोल से भी कमल खिलाइए, देश के विकास में योगदान दीजिए की बात कही और भाजपा के गुणगान किया। विकास की दृष्टि से अभी जो 10 साल में शहडोल की चिंता हुई है, आगे भी शहडोल एक लंबी छलांग लगाकर विकास में और तेजी गति से बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो इंडिया गठबंधन है ना, यह भ्रष्टाचारियों का टोला है, सारे के सारे बेल पर हैं या जेल में हैं। मोदी जी की लड़ाई देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित अन्य भाजपा के बड़े नेता भी सभा को संबोधित किया। सबसे पहले तो मैं नर्मदा माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। वहीं विराटेश्वर मंदिर को भी माथा टेक कर अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं जब शहडोल में आया हूं तो राजा शंकर शाह और उनके सुपुत्र जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया उनको भी मैं याद करता हूं। और जब मैं इस धरती पर आया हूं तो रानी दुर्गावती का बलिदान, रानी दुर्गावती का की कर्मस्थली, उसको भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पहले बहुत सी बातें मेरे मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने कही है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा लंबे समय तक शहडोल मध्य प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब इस सारे इलाके की उपेक्षा होती है, विकास के नाम पर नगण्य था। उस समय जो सरकारें बना करती थी वो सरकारें समाज को बांटकर जाति के आधार पर, परिवारवाद का नाम लेकर के और तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति लेकर के चुनाव लड़ाकर। हमने यह भी देखा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद को समाप्त करके समाज को एक सूत्र में बांधकर समाज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकासवाद की राजनीति को प्रारंभ किया। मित्रों, यह समय की आवश्यकता है। हिमाद्री जी के माध्यम से देश के विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मैं यहां एक बात और भी करना चाहता हूं। मैंने विकास की कहानी आपको बताई, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे चल रहा है इसकी भी चर्चा की, लेकिन मैं कुछ विपक्ष पर भी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बड़ी विपरीत परिस्थिति दिखती है। एक तरफ मोदी जी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, बोलो दिन रात काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो मोदी जी का हर पल देश के नाम है कि नहीं है, और दूसरी ओर विपक्ष एक ही काम में जुटा है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, और मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ, इस तरीके के काम को आगे बढ़ाओ। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ,
मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है। बोलिए, इनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ। ये हमारे अखिलेश यादव ये लैपटॉप स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये गोमती रिवर फ्रंट के स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये फूड के अनाज के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ। लालू यादव जमीन के बजाय नौकरी के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? चारा घोटाले में इसको जेल हुई है कि नहीं हुई है? अलकतरा के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ। डीएमके के नेता बालू के स्कैम में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए। इनके पास 1,34,00,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। टीएमसी के नेताओं के घर से पैसों के का खजाना निकला कि नहीं निकला? नोटों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? इनके नेता जेल में है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो इंडी अलायंस है ना, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और भ्रष्टाचारियों से बचने का इरादा है। बोलो, इनको बचने देना है क्या? जोर से बोलो, बचने देना है क्या? ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का टोला है कि नहीं है? ये बताओ। केजरीवाल शराब घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बोलो। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? डीएमके का नेता ए राजा बेल पर है कि नहीं है? अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आप बताओ। हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? प्रिया मलिक जेल में है कि नहीं है? ये इंडियन लायंस का जो टोला है या तो बेल पर है या जेल में है। यही इंडियन लायंस है। और मित्रों, ये 2024 में आपका वोट तय करेगा। मोदी आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और इंडियन लायंस देश जेल पर होगा, जेल में होगा, ये बात याद रखना। मित्रों, ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? बोलो। फारूक अब्दुल्ला का परिवार की पार्टी है कि नहीं है? महबूबा की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये करुणानिधि की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये शरद पवार की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये उद्धव की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। ये बताओ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसलिए हमारी लड़ाई 32 साल 28 दिन पहले भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के इसी धरती पे आए हैं। जोरदार तालियां बजाओ इस पुण्य धरा पर। हम सबको कितना आनंद आया होगा, शहडोल की धरती पे मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला। तो आप युवा मोर्चा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके पूरा कार्यकाल यशस्वी रूप से आपने पूरा किया, और अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नाते से आए हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार तिलक लगा करके दुनिया को नंबर वन का देश बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आए। जोरदार तालियां बजाओ एक बार माननीय नड्डा जी के लिए, भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष।
जहां आपके कदम पड़े, जिस दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव अगर मिला है तो आपकी मौजूदगी से मिला है। हमका हमारा सौभाग्य है, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके अध्यक्ष आज शहडोल की धरती पर आए, इस पुण्य भूमि पर आए और अभी अभी जिनने अपना मार्गदर्शन दिया, हमारे शुभंकर अध्यक्ष भाजपा के और खजुराहो के सांसद माननीय वी डी शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर वी डी जी का भी स्वागत करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ है। और साथ ही साथ हमने तय किया कि जबलपुर के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हमारे यशस्वी वीरांगनाएं जिनने इतिहास में एक अलग प्रकार की जिंदगी जीकर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे हुई है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के हमने कदम बढ़ाए, जनता के बीच जब भी 100 दिन का ही हमारा समय हुआ है लेकिन 100 दिन से भी कम समय में हमने कोशिश की है।